खबर कानपुर से है, जहां पर कानपुर के रतनलाल नगर के पास बीते दिनों वाटिका अपार्टमेंट के कई पिलर धंसने से हड़कंप मच गया था, जिसके बाद दहशत में आए बिल्डिंग के लोग बाहर आ गए। कई दिन बीत जाने के बाद भी बिल्डिंग में रहने वाले अभी भी सड़क पर जिंदगी गुजार रहे हैं। जीने के लिए तीन चीजों की सबसे महत्वता दर्शाई गई है, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर मकान की बात करें तो पाई पाई जोड़कर इंसान अपने जीवन के लिए, एक रहने के लिए मकान तैयार करता है, लेकिन वही मकान बिल्डर्स कुछ मानक विहीन तत्वों से बनाते हैं, जिसके कारण वो मकान जो है वो उनसे छीन जाता है। अभी फिलहाल वर्तमान में हम बात करेंगे कानपुर के रतनलाल नगर में। इस वक्त सारा समय की टीम खड़ी है और देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा ये दिखाए कानपुर का, ये रतनलाल नगर इलाका है जो की वाटिका है। ये फ्लैट बने हुए हैं, फ्लैट्स की अगर बात करी जाए तो फ्लैट की अगर क्वालिटी की बात करी जाए तो देख सकते हैं यहाँ पर मानकों को ताक पर रख कर जिस तरह से ये मकान वर्तमान स्थिति में एक तरफ झुक गए, इसके पिलर झुक गए, साफ तौर पर स्पष्ट है कि ये कहीं ना कहीं मानकों को ताक पर रख कर यहाँ पर ये मकानों का निर्माण किया गया था, जिसकी वर्तमान में हालत ये है कि यहाँ पर प्रशासन द्वारा इस मकान को पूरी तरह से सीज कर दिया गया है, यहाँ पर बंद कर दिया गया है। यहाँ के लोगों को ये साफ तौर पर कह दिया गया कि मकान को खाली कर दे, कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। देख सकते हैं अभी भी लगभग तीन दिन इस पूरी घटना को हो चुके हैं और लोग अपने घरों से बाहर हैं, सड़कों पर अपने यहाँ पर जीवन को गुजारने के लिए हैं। हम यहाँ कोशिश करते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं, इस फ्लैट में रहने वाले फ्लैट के जो ऑनर्स हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार अचानक किसी के घर से अगर उन्हें बेघर होना पड़ता है तो क्या उनके साथ समस्या होती। सबसे पहले हमें एक यूथ हमारे यहाँ पर बीच में यहाँ पर मौजूद है, आप यहाँ इसी फ्लैट के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? चिराग। चिराग भाई, यहाँ पर अगर कब से आप लोग रह रहे हैं? 13 साल से। वर्तमान में क्या पोजीशन हुई, क्या घटना हुई जो आप लोगों को आज यहाँ सड़कों पर, फ्लैट आपका खुद होते हुए सड़कों पर समय बिताना पड़ रहा है? तो यहाँ तक था भी नहीं, मैं तो नोएडा में स्टूडेंट हूँ, मेरे को फोन आया था कि आपकी बिल्डिंग गिर गई है, मम्मी पापा की बिल्डिंग गिरने को पूरी धस गई है, तो मैं आधी रात को ट्रेन पकड़ के यहाँ आया हूँ। सो यहाँ पर क्या मानते हैं, यहाँ पर मेन गलती किसकी मानते हैं, क्योंकि फ्लैट है 20 साल भी नहीं हुआ बिल्डिंग बने हुए, तो कैसे फ्लैट को गिर सकता है? तो लगभग कितने किस वर्ष में आप लोगों ने फ्लैट खरीदा था, कितना समय हो गया और क्या क्या दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम से अपना आप धस गई, ये मैन्युफैक्चरिंग का ही है सब। तो क्या इस पूरे बारे में आपके परिवार ने या किसी ने शासन प्रशासन से इस बात की शिकायत करी या बिल्डर के खिलाफ कोई एप्लीकेशन वगैरह? अभी चल रही है सारी बात, आगे मतलब करेंगे शिकायत। So, अभी कुछ लोग और यहाँ पर हैं हमारे बीच में, सर आप भी इस बिल्डिंग के निवासी हैं, क्या मानते हैं गलती इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि लगातार तीन दिनों से देख रहा हूँ यहाँ पर सारा समय की टीम इससे पहले भी खबर कवर करने को आई है, आप लोग इस फ्लैट में रहते थे, फ्लैट से अचानक सड़क पर आना कैसा? ये अच्छा तो कोई अच्छा कहेगा इसको, कोई अच्छा नहीं कहेगा, जिसपे बीतेगी वही जानेगा। क्या आपने भी इसकी शिकायत बिल्डर से करी है, बिल्डर ने आपके पास इस पूरी दुख के बाद आपके पास आने से कोई कुछ आश्वासन दिया? देखिए अभी हम लोग के पास ये, अपनी जान सुरक्षित करें, अपना सामान सुरक्षित करें, अभी हम लोग उसी में लगे हुए हैं, अपना जान और सामान सुरक्षित कर रहे हैं और आगे प्रशासन से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, ना प्रशासन की तरफ से आज तक हमें कोई मदद भी नहीं मिली अभी तक। आप लोगों के बीच में ये एक परिवार, इतने सालों से आप लोग इस घर में रह रहे थे और घर के बाहर ही आपको आज यहाँ पर समय बिताना पड़ रहा है, वो भी ऐसे मौसम में, क्या गलती मानेंगे किसकी और क्या किसको ये दोष पूरा देंगे? अब हम क्या किसके लिए कह सकते हैं, बिल्डर की गलती है, अपनी गलती है, ऊपर वाले की गलती है, ये तो अब हम जो हो गया हो गया, लेकिन भविष्य में ऐसी कोई बात ना हो, हमारे लिए अभी तक कोई आया नहीं है। हाँ बिल्डर जो है प्रेम पखरानी वो आए हैं, साथ में हैं हमारे, लेकिन अब आगे क्या होगा अभी कुछ पता नहीं है। आपके नजरिए से कैसे देखेंगे, क्योंकि एक तो जब घर होता है सपनों का घर होता है, लोग पाई पाई जोड़कर बनाते हैं, फ्लैट लेते हैं उम्मीदों से, आज उसी फ्लैट से आपको निकलकर सड़क पर दिन गुजारने पड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए, किसको जिम्मेदार मानते हैं? सालों से इनका तिनका जोड़ के ये एक आशियाना बनाया था वो चला गया, ये तो शुक्र मना रहे भगवान से कि ये रात रात बिल्डिंग नहीं गिरी, अगर गिरती तो हम जालमाल से भी चले जाते, अगर इस तरह ही बिल्डिंग का निर्माण होगा तो लोगों की 19 साल की कुल बिल्डिंग हो, इस तरह निर्माण में लोगों को जान माल से खेला जाएगा तो कैसे ये देश सर्वाइव करेगा, मतलब बिल्डरों के आगे लोगों की कोई जान माल का लेना देना नहीं, वो खाली व्यापार अपना कर रहे हैं, घटिया मटेरियल लगाना, फाउंडेशन घटिया करनी, उसमें रुपया जितने से जितना ज्यादा उसमें अर्निंग कर सके अर्निंग कर ले, बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं है, उनको जान माल से किसी की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, बस ये आज प्रोफेशन उन्होंने बना रखा है ताबड़तोड़।
बिल्कुल साफ तौर पर इनकी आंखों के जो आंसू हैं ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक जो घर का मुखिया होता है, परिवार होता है, वो किस तरह से पाई पाई जोड़कर अपने आशियाने को खड़ा करता है। लेकिन सर, इस पूरे परिवार में लगभग 13 से 14 परिवार रहते थे, क्या आप सब लोगों ने मिलकर प्रशासन से मामले की शिकायत करी या बिल्डर के खिलाफ कोई शिकायत करी? ये सारा मामला अभी शासन तक है। अभी फर्स्ट एड तो हम लोग को ये चाहिए किसी तरह अपनी जीविका बचाए, जो हम लोग का सामान जो गृहस्थी अंदर फंसी है, जो जीवन भर का एक सपना था जो बनाई थी, तो वही अगर चली जाएगी तो फिर हम कैसे रहेंगे, सड़क में रहेंगे क्या रहे, बताइए आप। अब ऐसे में दोषी कौन है, जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या केडीए के वो अधिकारी जो बिल्डर के साथ मिलकर ऐसे मानक विहीन जो बिल्डिंग्स होती है उनको अप्रूव कर देते हैं, या फिर जिम्मेदार प्रशासन है जो ऐसे लोगों को लगातार कोई कार्यवाही नहीं करता है? साफ तौर पर ये सामने है कि ये जो फ्लैट है, यहाँ के जितने भी बाशिंदे थे, परिवार थे, आज सड़कों पर बैठकर सिर्फ इनकी आंखों में आंसू है। अब देखना होगा इनके आंसू को पोंछने वाला आखिर कब तक यहाँ आता है और क्या वैकल्पिक व्यवस्था इनके साथ होती है या बिल्डर के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। कानपुर से सारा समय के लिए कैमरा पर्सन रवि शर्मा के साथ अनुराग श्रीवास्तव।